स्पेशली ईशान पी मीरा बाई की हरा नुमित शिलोंग ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर ने अखो नॉर्थ की सी एम मैम ने अखो तौरगा लॉ एंड ऑर्डर की कारी की कारी की नेसा की मैम मीटिंग तौर मीटिंग से हम हाथ मीरा बाई की पाउसी ताबनी सुमाय मीरा बाई ने सुमाय सिल्वर मेडल फंगे सिल्वर मेडल से अखो मणिपुर खामान अहन होनी ब्रोंज अखोगी कैनोन फंग्रे मेरीकोमना ओलंपिक सिल्वर मेडल फंग से मान अहन बनी मीरा बाई ओलंपिक अचो चौब कॉम्पिटिशन क्या मेडल लौरपी मणिपुर मैम इसोर मीब थी ओलंपिक इवेंट माई पाटना सिल्वर मेडल इंडिया की ओना मणिपुर की ओना अहम मेडल लौजरीबी अगर मेडल असद मणिपुर मियाम खुदिमकता डेडिकेट तौजनी कल 26 जुलाई 2021 को असम मिजोरम सीमा पर तनाव बढ़ गया था जब लैलापुर गांव के समीप मिजोरम पुलिस और असम पुलिस के विवादित सीमा क्षेत्र जिस एक ऐसी जगह पर जिसको विवादित कहा जा रहा है क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के कब्जे को और उसका अवैध होने को बोल करके दोनों बल एक दूसरे से भिड़ गए। तनाव उस वक्त चरम सीमा पर पहुंच गया जब दोनों पुलिस बलों ने एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू की। बड़ी मुश्किल से और सीआरपीएफ के हस्तक्षेप के बाद हिंसा को नियंत्रित किया गया। इस घटना में असम पुलिस के 5 कर्मियों की मौत हुई है, जैसा कि आप लोगों ने भी विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखा है, और पुलिस अधीक्षक कछार सहित 50 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। यद्यपि असम पुलिस विवादित क्षेत्र से पीछे हट गई है, तथापि मिजोरम पुलिस अभी भी नजदीकी ऊंचाइयों एवं अपने अस्थायी पोस्टों पर कब्जा बनाए हुए है। सीआरपीएफ की 4 अतिरिक्त कंपनियों को विवादित क्षेत्र पर निष्पक्ष बल के तौर पर नियंत्रण करने हेतु रवाना कर दिया गया है और 2 कंपनियां वहां पहले से उपस्थित थीं। इस तरह इस वक्त करीब 5 कंपनी ऑलरेडी उस जगह को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। महानिरीक्षक जोरहट ऑफ सेक्टर, उप महानिरीक्षक सिलचर रेंज एवं उप महानिरीक्षक अगरतला रेंज समेत सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर हैं और शांति बनाए हेतु लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्थिति अभी वहां पर शांतिपूर्ण है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पद्म अवार्ड्स के लिए भेजेंगे। हम अपने डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को कहना चाहते हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस बार के पद्म अवार्ड्स उन लोगों को, डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएँ। तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम केंद्र सरकार को भेजेंगे और ये नाम जनता बताएगी। जनता को ज़्यादा पता है कि किन डॉक्टर्स ने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी सेवा की, किस डॉक्टर ने कितनी शिद्दत के साथ, कितनी कुर्बानी करके सेवा की।
तो एक ईमेल एड्रेस हम लोग जारी कर रहे हैं, पद्मा अवार्ड्स, PADMAAWARDS, पद्मा अवार्ड्स .delhi@gmail.com, PADMAAWARDS.delhi@gmail.com। इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्टर या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी का नाम और उसने क्या काम किया, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, आप क्यों चाहते हैं कि उनको पद्मा अवार्ड मिले, वो सारी डिस्क्रिप्शन आप हमें 15 अगस्त तक भेज दीजिए। कोई भी नागरिक, दिल्ली का कोई भी नागरिक भेज सकता है, आप हमें ये सारी डिटेल्स भेज दीजिए। एक हम लोगों ने सर्च एंड स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष मनीष सिसोदिया जी हैं। वो कमेटी उसके अगले 15 दिन के अंदर ये सारे नामों को स्क्रीन करके डिसाइड करेगी कि किन नामों को दिल्ली सरकार की तरफ से रिकमेंड किया जाए और फिर वो नाम हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करके सभी विपक्षी दलों ने आग्रह किया था कि जो काला दिन 23 मार्च को जो घटना हुई थी उसको लेके कम से कम बहस चर्चा कराई जाए, जिसमें सब पार्टी को अपने तरीके से बोलने का मौका मिलता, टाइम अलॉट होता। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हाउस सदन चले, और पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा आसन ने कहा वैसा हम लोगों ने कहा किया। कल भी जब हम खड़े हुए प्रस्ताव के लिए तो आसन ने कहा कि आपको प्रस्ताव रखने का मौका मिलेगा, लेकिन आज शोक है, इस वजह से आप कुछ नहीं कर सकते, कल कीजिए। हमने कल लिखित में भी नियमावली का हवाला देते हुए प्रस्ताव रखने का मौका मांगा, जो आज सदन में अस्वीकृत किया गया और सुझाव के रूप में कि आप ऐसे ही बोल लीजिए, लेकिन प्रस्ताव रखने का मौका आपको अस्वीकृत किया जाता है। अब नेता विपक्ष के सब लोग एक सुर से मांग कर रहे हैं इतनी छोटी सी बात को लेकर के कि बहस होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। अब बहस और चर्चा से वही लोग भागते हैं जिनके मन में बेईमानी होता है या जिन्होंने गलती की होती है, यानी सत्ता पक्ष भाग रहे हैं। आज सारा चीज़ जो है मंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय पर फोड़ा कि इनके हस्तक्षेप से ये सारी चीज़ें हुई हैं, सरकार कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता और हम सब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि बिना नीतीश कुमार जी के मर्जी से कुछ नहीं होता। हमने आज आसन पे विश्वास भी जताया और पूर्व में भी बोला कि हमको विश्वास है, लेकिन अब कहीं ना कहीं से हमको संदेह हो रहा है कि स्पीकर महोदय मात्र जो है नीतीश कुमार के कठपुतली बनकर के रह गए। नीतीश कुमार जी जैसा चाहते हैं वैसा होता है। सरकार के बहाने हैं, पूरे बजट सेशन से शुरू होकर आज तक, आज सातवां दिन है जब से यह सदन बैठा है, और सात दिन लगातार हर रोज मैं अडजॉर्नमेंट नोटिस दे रही हूं कि आप बाकी बातें बंद करके जो 550 किसान मर गए, रोज मर रहे हैं, आप पहले उस पर चर्चा करिए। किसानों के ये जो हालात पैदा हुए हैं, जहां हमारे पूरे राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि डिस्टेबलाइज एक राज्य को कर रहे हैं और एक से दूसरे से तीसरे गाली गलौज पे उतर आए हैं, झूठे जवाब देके बोलते हैं कि कोई मरा ही नहीं है किसान आंदोलन में। सो ये झूठ बोल रहे हैं। जी इन्होंने चर्चा करनी होती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? मैं ही नहीं, कई पार्टियां दे रही हैं, ऑल पार्टी मीटिंग में हर एक पार्टी ने उठाया था, लेकिन चर्चा ये करना देना चाहते नहीं है। नहीं तो नोटिस एक्सेप्ट करें, चर्चा बढ़ेगी और हाउस चलेगा। ये हाउस चलाना तो उनका दायित्व होता है, लेकिन ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपने 8 महीने से किसानों को
मीटिंग पे ऊपर मीटिंग पे बुला के उनको बहाने लगा के टाइम टपाते गए। अब वही टाइम आप यहाँ पे टपा रहे हैं, जोर जबर से आप वॉइस वोट के साथ अपना बिल पास करें जब पूरा हाउस ऑर्डर में नहीं है। ये शर्मनाक बात है, लोगों का करोड़ों का रोज पैसा टैक्स पेयर का नुकसान हो रहा है। ये आपने सिर्फ अपने बिल पास कराने के लिए हाउस चलाना है और डेमोक्रेसी का आपने मजाक उड़ाना है, तो फिर ये डिक्टेटरशिप सरकार चलानी तो क्यों, ये नया पार्लियामेंट किस लिए बना रहे हैं? बंद कर दीजिए, फिर जब पार्लियामेंट बैठेगी नहीं, लोग के मुद्दे एमपीज उठा ही नहीं सकते, तो नया पार्लियामेंट क्या करना है? गरीबों में बांट दीजिए ये पैसा। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जहां एक समय पर 25 मई वाले हफ्ते में देश में 379 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर 100 से अधिक केसेस प्रति रोज की संख्या से रिपोर्ट हो रहे थे, वह घटते घटते 25 जून तक पहुंचते हुए 121 ऐसे जिले रह गए थे। और अगर हम 25 जुलाई वाले हफ्ते में नोट करें तो पाते हैं कि 62 ऐसे जिले हैं अभी भी देश में जहां पर 100 से अधिक केसेस आते हैं। अभी भी देश में 22 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 4 हफ्तों में हमने एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया है। हमने आपको दर्शाया है स्टेट वाइज ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कि वीक ऑन वीक बेसिस पर अगर हम देखें तो पिछले 4 हफ्तों में केसेस में संख्या में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि एक मान लीजिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस से थोड़ी भी वृद्धि है तो यह कॉज ऑफ कंसर्न है जिसके लिए हम स्टेट से डिस्कस करते रहते हैं। इसमें मुख्यतः केरला से 7 जिले हैं, मणिपुर से 5 जिले हैं, मेघालय में 3, अरुणाचल प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 2 जिले, असम में 1 जिला और त्रिपुरा में भी इसी तरह से 1 जिला है। हम लोगों ने विपक्ष के सभी नेताओं से आज चर्चा हुई है, कल चर्चा हुई है, और हम लोगों ने एक ही बात कही है कि आप जिन मुद्दों पर भी डिबेट और डिस्कशन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में चाहते हैं सरकार उस पर पूरी तरह से तैयार है, सरकार उसको जवाब देगी, सरकार उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और कल रात में भी आज भी तमाम विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ हम लोगों की चर्चा हो गई है और हमें अभी भी उम्मीद है, आशा है कि जिन मुद्दों पर भी विपक्ष चर्चा पार्लियामेंट के फ्लोर पर चाहता है उनकी वो नोटिस दे, चेयरमैन साहब और स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे कि किन नियमों के तहत, किन प्रावधानों के तहत और कब चर्चा होगी, सरकार उसमें साथ है। अरे भैया वो कब से सर्टिफिकेट देने लगे, अभी भी सामंती सुरूर और सत्ता का गुरूर इनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। अभी इससे पहले तो इतने शरीफ आदमी थे मनमोहन सिंह जी, उनको तो ये सर्टिफिकेट रोज देते थे, उनके अध्यादेशों को रोज फाड़ फोड़ के फेंकते थे, अभी भी उनका वही दिमाग चल रहा है, सामंती सुरूर और सत्ता का गुरूर उसी से चकनाचूर है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।